सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस पाके, इतना अच्छा कदम उठाया और इतने बड़ी तरीके से इसका लॉन्चिंग हो रहा है, वेरी गुड। और उम्मीद करता हूँ कि ये कारोबार काफ़ी लंबे अरसे तक चले। और मैं बता दूँ कि हम लोग स्पेशली पाखी जी की वजह से आए यहाँ पे, मैं हम लोग नजबली में काफ़ी बिजी हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। मैं रिहर्सल हॉल से भाग के आया हूँ रोक के, अभी डिनर टाइम है वहाँ पे, फिर यहाँ से भाग के जाके तुरंत वहाँ पे रिहर्सल करना है। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा लेकिन मैं बताऊँ तो कम से कम हम 8 से 9 घंटे रिहर्सल करते हैं। जिस किसी को भी अगर ऐसा लगता हो कि हम फ़ोन नहीं उठाते, रिप्लाई नहीं करते, बट सच्चाई ये है कि हम शायद 4-5 घंटे सोते हैं और नजबली में ही रहते हैं, बिजी रहते हैं वहाँ पे। हार्ड वर्किंग कैसे कर पाते हैं? कर लेते हैं। लोगों को एक उम्मीद हो गई है ना कि आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा जाओ। पहली बात तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम भोजपुरी से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि बिग बॉस में थी, मैं भी गया था, फिर उसके बाद हमको नजबलिए मिला है, तो अगर ये मौका मिल रहा है और हमारा एक समाज है भोजपुरिया समाज और उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप समझ रहे हो वो शायद मेरी अकेली की एनर्जी नहीं है, सबकी एनर्जी मुझे मिल रही है कि गो 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 विक्रांत एंड मोना, आप करो फाड़ो। तो अपने को लगता है कि नहीं, हमको और भी लोग हैं कि जो देखना चाहते हैं, तो उससे एक एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है कि हम करेंगे और अच्छा करेंगे। और अभी तक जो किया है बहुत अच्छा किया है। भोजपुरी फिल्मों की बात की जाए तो आपकी जोड़ी में कौन कौन फिल्म दर्शक देख पाएंगे? अभी तो फिलहाल एक मेरी फिल्म है जो जय श्री राम है, अभी टीजर उसका आया है, आप लोगों ने देखा होगा शायद, तो लोग पसंद कर रहे हैं जिसमें मैं मोना साथ में है। और एक फिल्म और है नथुनिया पे गोली मारे। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब बाकी चीज़ के लिए सोच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी नजबलिए, उम्मीद करता हूँ सब लोग समझते हैं इस चीज़ को क्योंकि ये मौका बार बार मिलता नहीं है। और जय श्री राम फिल्म से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं, उस फिल्म से नथुनिया से गोली मारे, नथुनिया पे गोली मारे से भी उम्मीद है। और मुझे तब तक हमारा नजबलिया ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिए हैं। मैं भी यही कहूंगी कि अभी वक्त है, आप सब लोग जो इतना वोट करिए, हाँ, मिस कॉल मारिएगा। हाँ, एक चीज बताना चाहता हूँ, आप जो लोग भी दिखाइए अपना प्यार और हमें सेफ रखिए। डेली डेली मिस कॉल नहीं मार सकते आप जब कभी, जैसे कि सैटरडे को हमारा शो आता है तो 8 बजे से कल सुबह 8 बजे से संडे को 9 बजे तक आप मिस कॉल मार सकते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। मतलब उसके बाद कितना ही मिस कॉल मारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मोबाइल नंबर से कितनी बार मार सकते हैं? एक ही बार कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी दिमाग खफाना है वो जो घंटा है 8 से 9 का चंक है सुबह वाला, उसमें ही आप लोग वोटिंग करिएगा, मिस कॉल मारिएगा, फ्री है सब, ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा लग रहा है, तो प्लीज आप लोग हमको सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।